गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन द न्यू ऑनलाइन सेशंस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल 2021-22। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7th मैथ्स। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंटीजर्स। सो इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ फ्रैक्शन। सबसे पहले ये समझ जरूरी है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो वॉट इज़ फ्रैक्शन, इफ़ वी आर गिवन एनी वैल्यू, अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब कि ऐसी फॉर्म में दी हुई है हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और नीचे एक नंबर लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो अगर हमें कोई वैल्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दी हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे, वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है। जो पी होता है पी को बोलते हैं न्यूमरेटर, और क्यू होगा उसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शंस की डिटेल कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब उसके बाद आपका इसमें आता है कि फ्रैक्शंस होते कितने तरीके के हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, 3 तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन पी इज़ लेसर देन क्यू, जब जो पी है वो क्यू से छोटा हो, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्यू से छोटा हो। जैसे कि 3/5, 4/9, 11/17, 27/50। इसमें सब में आप देख सकते हो जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर है वो नीचे वाले पार्ट से छोटा है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब जो पी है वो क्यू से बड़ा हो, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे कि 4/3, 7/4, 5/2, 12/7, 21/17। अब इस सब में आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमें एक होल नंबर दिया होता है पहले, और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा होता है। तो 2 तो हो गया हमारा होल नंबर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 3/5, क्योंकि इधर न्यूमरेटर बड़ा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और एग्जांपल देखते हैं, 1/1 × 3/7 लिख लो, ये भी आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करते, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो आया उसमें उसे यहाँ ऐड कर देते हैं। कैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10, और 10 को 3 से प्लस किया तो 10 × 3 = 13, तो ये हो जाएगा 13/5। एक और लेके देखते चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 7/2, ये आपने इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन ले लिया। अब इसे कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7/7 = 49 और 2 = 51, तो 51 हो गया, और ये अपॉन में क्या है, 7 है डिनोमिनेटर, तो वो 7 लगा दिया। तो ये आई होप आपको कन्वर्ट करना भी आ गया होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इन फ्रैक्शंस को। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो। तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी सेम नंबर। आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसे आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे कि हमें 7/8 का निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे भी करें ऊपर नीचे सेम से ही करना पड़ेगा, तो इसे हम पहले 2 से कर लेते हैं। ये 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7/3/8
3, 7 3s are 21, 8 3s are 24. ये 7/8, 14/16, 21/24 ये सेम ही हैं, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो हम को अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, आपको ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शन को ऐड करना है तो चलिए लिखते हैं पहले एडिशन। आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए 2/5 लिख लेते हैं, चलिए 2/5, और इसे ऐड करना है 3/7 में। हमें इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो चलिए एलसीएम लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35। एलसीएम ले लिया, अब 5 का डिवाइड 35 में कितने टाइम्स गया, 5 7 का 35 होते हैं तो 7 टाइम गया। तो जितनी बार डिवाइड जाए उस डिजिट को फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का डिवाइड 35 में कितनी टाइम्स गया, 7 टाइम, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस। अब 7 का डिवाइड 35 में कितने टाइम्स गया, 5 टाइम, 7 5 ज़ा 35 होते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 5 3 ज़ा 15। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 15, और 14 कितना हुआ 29, तो 29/35 इनका ऐड हो गया। ये किस सिचुएशन में था, ये तो तब था जब हमें जो इनके दोनों जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। बट अगर हमें दोनों फ्रैक्शंस ऐसे दे रखे हैं, जैसे कि 8/11 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 9/11, इनको ऐड करना है, तो इनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम ऐसे के ऐसे लिख देना है, और उसके बाद जो आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करके लिख देना है, तो 9 और 8 17, सिंपल। तो अगर आपको न्यूमरेटर डिफरेंट दिए हो, सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आप एलसीएम निकाल के और फिर इनको ऐड करते हो। बट अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप बिना एलसीएम निकाले जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम लिख दोगे, और उसके बाद न्यूमरेटर्स को ऐड करके उसे लिख दोगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी आपको सेम यही काम करना होता है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप क्या करते हो, जैसे कि आपको दिया हुआ है 8, मिक्स फ्रैक्शन का बताती हूँ, चलिए मैं एग्जांपल आपको, -3 × 5/8, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कीजिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 ज़ा 16, और 1 उसमें ऐड कर दीजिए 17/2। इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 ज़ा 24, और 5 29/8। अब देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो एलसीएम ले लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि एलसीएम ऐसी डिजिट तो होती है जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए, तो 2 से 8 में डिवाइड चला जाएगा, 8 से तो 8 में जाएगा ही जाएगा। तो 2 का डिवाइड 8 में कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 4 टाइम्स डिवाइड गया। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 4 ज़ा 68। माइनस, अब 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम जाएगा, तो 1 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा 29। अब 68 − 29 करेंगे, कितना आएगा 68 − 29, करिए 8 के पास 8 में से 9 सबट्रैक्ट नहीं होता, तो एक बोरो ले लेगा 6 पे से, तो इधर कितना बचा, 18 में से 9 गए तो 9, और इसके पास 5 बचा, 5 में से 2 माइनस किया तो 3/8। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 8 का डिवाइड 39 में दो, कितने टाइम्स जाता है, 8 4 ज़ा 32, और 8 5 ज़ा 40, 40 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, 8 4 ज़ा 32 हो गया, तो 8 4 ज़ा 32, उसके बाद बचा कितना 32 के बाद 39 में से, 7, तो 7 को ऊपर लिख दिया और 8 नीचे आ गया। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 39 ये था, तो उसमें 8 का डिवाइड दिया आपने, तो 8 4 ज़ा 32 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 7,
तो ये 4 तो हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर की जगह पे हो जाएगा। जो ये रिमाइंडर बचा ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर की जगह, और 8 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर की जगह। तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम हमें क्या करना होता है, अगर हमें 3 नंबर्स दिए हो, 3 फ्रैक्शंस दिए हो, उनको भी हम ऐड ऐसे ही करते हैं। अगर न्यूमरेटर हमें डिफरेंट है और हमारे अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं, तो हम डिनोमिनेटर सेम वही लिख के और न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद एलसीएम से फिर हम ऊपर की डिजिट को मल्टीप्लाई करके, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उतनी बार से ऊपर की डिजिट को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके फिर लिखते हैं। अब इसकी जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम अगर आएगी, तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, इसमें एक एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, चलिए इसे करके देखते हैं। रमेश सॉल्व 2x7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, एक कोई एक्सरसाइज थी उसका 2x7 पार्ट रमेश ने सॉल्व कर दिया। वाइल सीमा सॉल्व 4x5 ऑफ इट, और जबकि सीमा ने कितना सॉल्व कर दिया, 4x5। तो कम किसने सॉल्व किया, तो डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या था एग्जांपल नंबर 2, इसमें रमेश ने कितना सॉल्व किया था, 2x7 पार्ट, और सीमा ने कितना सॉल्व किया था, 4x5 पार्ट। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो चलिए करते हैं। पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 5 का एलसीएम 35, 7 5 35 होते हैं, 5 टाइम गया डिवाइड, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, और इसका डिवाइड कितने बार गया, इसका डिवाइड गया 5 5 7 35, तो 7 7 4 28। अब इसमें से बड़ा किसका आया, 28 अपॉन 35 का आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 अपॉन 35, और इससे बड़ा क्या है, 28 अपॉन 35। तो ज़्यादा किसने सॉल्व किया, सीमा ने, क्योंकि इसका फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है ना, तो ज़्यादा किसने सॉल्व किया, सीमा ने। अब कितना ज़्यादा सॉल्व किया, तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, 35 तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, और 28 माइनस 10 मतलब 18 अपॉन 35, इतना ज़्यादा सॉल्व किया था सीमा ने। तो ज़्यादा पार्ट किसने सॉल्व किया था, सीमा ने, और कितना ज़्यादा सॉल्व किया, 18 अपॉन 35। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, समीरा परचेज 3x1/2 केजी एप्पल्स एंड 4x3/4 केजी ऑरेंजेस। सीमा ने इतने तो एप्पल परचेस किए और इतने ऑरेंजेस परचेस किए, तो उसने टोटल कितने फ्रूट परचेस किए, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 3x1/2 + 4x3/4। अब इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 2 6 और 1 7 अपॉन 2 प्लस 4 4 16 और 3 19 अपॉन 4। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स जाता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14 प्लस 4 का डिवाइड 1 टाइम ही जाएगा, तो ये 19 हो गया। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, 33 अपॉन 4। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 33 में 4 का डिवाइड देते हैं, फोर एट ज़ा 32 होता है, रिमेनिंग क्या बचा, 1, तो 8 तो इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ, 8x1/4 kg। तो ये आपकी डिटेल्स इसकी फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।